हेलो फ्रेंड्स मैं आद्या स्वागत करती हूं आप सभी का सिविल्स डेली के एमसीक्यू प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि करेंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन दोनों ही नजरिए से महत्वपूर्ण है एग्जाम में कई बार हमें ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि हमारे नॉलेज के बाहर के होते हैं राइट उनको स्पेशली ट्रिकी बनाया जाता है तो उन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम श्योरिटी के साथ अगर सॉल्व करना चाहें तो हमें उसके लिए कैसे एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है या हम कहें कि लगाना है इसकी भी प्रैक्टिस हम डेली बेसिस पर यहां पर करेंगे तो चलिए आइए इसी के साथ शुरू करते हैं सी डी यूट्यूब रिचुअल्स आई एस एक्सपेर के बारे में भी मैं आपको बता देना चाहती हूं कि ये हमारा एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां पर प्रिलियम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों ही लेवल पर कॉम्पैक्ट और पावरफुल तरीके से हम आपकी प्रिपरेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं प्रिलियम्स के लिए जहां हम आपके लिए एमसीक्यू सेशन लेकर आए हैं स्ट्रैटेजी वाइज और एक्सप्लेनेशन के साथ वहीं प्रिलियम्स और मेंस दोनों को कवर करने के लिए हमने तीन प्रोग्राम निकाला है जहां पहले स्पेसिफिक करंट अफेयर एनालिसिस दूसरे नंबर पर एडिटोरियल ओपेड एनालिसिस और तीसरे नंबर पर डेली एक्सप्लेनर्स ये तीनों ही प्रोग्राम हमारे डेली बेसिस पर आप तक पहुंचेंगे जिसके थ्रू आप अपना एक स्ट्रांग होल्ड बना सकते हो करंट अफेयर्स एज वेल एज स्टेटिक पोर्शन पर और इसी के साथ साथ प्रस और इंटरव्यू इन तीनों को कवर करते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए वीकली वेबिनार्स विद नन अदर सी एस सी टॉपर्स जिनके साथ हुई बातचीत से आप जान सकते हैं कि उन्होंने कैसे स्ट्रेटजीज अपनाई क्या क्या रिसोर्सेस रेफर की ओके okay, कैसे अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की कैसे ऐसे राइटिंग किया क्या पढ़ने का तरीका था उनका क्या रूटीन था क्या स्केड्यूल फॉलो करते थे या फिर किससे गाइडेंस लेते थे ऑलराइट तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा क्वेश्चन वन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट दन से गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट नॉन टैक्स रिवेन्यू टू गवर्नमेंट ये स्टेटमेंट हमें काफी हद तक सही साउंड कर रहा है दूसरा स्टेटमेंट कहता है इन इंडिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर प्रीडोमिनेंटली सिचुएटेड इन दर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही है राइट right? क्योंकि ये साउंड भी सही कर रहा है दिख भी सही रहा है इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि गलत है क्योंकि आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर जो है वो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट नॉन टैक्स रिवेन्यू टू दी गवर्नमेंट ठीक है वो वहीं जाती है इसमें कोई दो राय नहीं है और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है पहले तो सबसे पहले एक ये हमारा एक्सट्रीम वर्ड यूज हुआ है प्रीडोमिनेंटली राइट right? और इसी के साथ साथ जब भी ऐसे वर्ड्स दिए होना मान के चलिए कि यूपीएससी गेम खेल रहा है हमारे साथ राइट तो ये दो हमारे गलत वर्ड्स हैं तो इसलिए यहां हमारा आंसर होना चाहिए आंसर ए चलिए आइए इसको कंफर्म करने के लिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं सोल्यूशन ऑल्सो से इट्स ए एक्सप्लेनेशन के बाद जाए तो देखिए डिविडेंड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनेबल दी गवर्नमेंट टू अचीव नियरली हाफ ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यू मीन स्टेटमेंट वन सही था और इन in इंडिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आर प्री नोमेंटली सिचुएटेड ओनली इन दी सदर्न स्टेट देखे गेम कहा था यह देख लीजिए लेट्स गो टू आर सेकेंड क्वेश्चन स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लेस द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन दोमेन ऑफ दही है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले तो ये क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट सही होना चाहिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट कहता है हाई हाईकोर्ट एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन ओवर दी सब ऑर्डिनेट जुडिशियर वेरी वेरी ट्रू ये भी सही है और हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो कहता है डिस्ट्रिक्ट जजेस आर सिलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस कंडक्टेड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग एंड द हाई कोर्ट ये भी सही है बिकॉज इसके लिए हमारा एक एग्जाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं पीसीएस जे यानी पब्लिक सर्विस कमीशन पब्लिक कमीशन ऑफ सर्विसेज सर्विस जे जो जुड़ जाता है ना हमारा पीसीएस में या पीएससी में वो हमारा जुडिशियरी के लिए होता है तो मीन ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है यहाँ हमारा ऑप्शन है एंड ओके okay? आगे चलते हैं सॉल्यूशन इसका देखते हैं सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि डी इज द राइट आंसर एंड आर्टिकल 233, 234 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस राइट यही कहा था दूसरा हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्टेड बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन जजेस इंटरव्यू फॉर अपॉइंटमेंट ऑल द जजेस ऑफ लोअर जुडिशियरी टू द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आर सिलेक्टेड थ्रू प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज ठीक है पीसीएस जिसको हम लोग कहते हैं पीसीएस जे की बात यहां पर की हुई है ओके okay?

तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है है ना और अगर दूसरा स्टेटमेंट हम देखें वन को कनेक्ट करते हुए तो पता चलेगा कि दूसरा स्टेटमेंट अगर वन की डेफिनेशन के साथ जा रहा है तो ये भी सही है बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हाउ मच दी गवर्नमेंट देखो अगर बराबर होगा तो रेवेन्यू डेफिसिट होगा ही नहीं और अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है तो वो वही अमाउंट है जो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ा और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हाईर रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो इन एबिलिटी ऑफ दी गवर्नमेंट को दिखाता है हाँ, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज करने के लिए आप कहीं से तो पैसे ले रहे हैं तो वो आपकी इन एबिलिटी ही है तो इसलिए यहां पर हमारा आंसर होगा डी वन टू एंड थ्री सॉल्यूशन हमारा डी है ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट रेवेन्यू डेफिसिट अकर्स व्हेन द नेट इनकम जनरेटेड फॉल्स शॉर्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड नेट इनकम ठीक है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर होता है हमेशा ये याद रखिएगा और रेवेन्यू डेफिसिट इम्पैक्ट कैश फ्लो इन फ्यूचर मंथ रेवेन्यू आइडियली बी जीरोड बाई चलिए आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है इन विच ऑफ द सब्जेक्ट मैटर्स गिवन बिलो द पावर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा टू ईच अदर ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूं प्लीज इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या है और जैसा कि कुछ बच्चे अपने स्कोर्स को भी टैली करके हमें बता रहे हैं तो बिल्कुल आप भी बताइए कि कितना स्कोर है और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले दो महीने के अंदर अंदर हम फाइव आउट ऑफ फाइव स्कोर करने लग जाएं। तो ये क्वेश्चन कहता है स्टेटमेंट वन सेज इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स इलेक्शन एंड इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑप्शन ए वन ओनली बी वन टू एंड थ्री ओनली सी टू थ्री एंड फोर ओनली एंड डी सेन टू थ्री फोर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है खुद से और मुझे आंसर बताना है कॉमेंट सेक्शन में चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज नॉट अ प्रोविजन अंडर पार्ट फोर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए पार्ट वन तो इंडिया एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है राइट पार्ट टू सिटीजनशिप की बात करता है पार्ट थ्री हमारा सबसे फेवरेट फंडामेंटल राइट की बात करता है और यहां बात की जा रही है पार्ट फोर की पार्ट फोर हमारा कहता है डीपीएसपी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है हर साल क्वेश्चन होता है डीपीएसपी से इस साल भी था और अगले साल भी होगा तो इसको प्लीज देख लीजिएगा अच्छा पार्ट्स याद करने का भी ना एक तरीका होता है जिसको हम नेमोनिक्स बोलते हैं ठीक है नेमोनिक्स को आप रेफर कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया या स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया उसको याद करने के लिए ठीक है और आ, यहाँ पर ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेव ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जी हाँ ये डी के अंदर है सेकेंड कह रहा है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर ये थोड़ा सा डाउटफुल है तो इसको अभी के लिए हम छोड़ते हैं तीसरा कह रहा है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन जी हाँ बिल्कुल स्टेट का ये काम है तो ये होगा और चौथा कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये भी है राइट तो यहाँ पर ये हमारा होगा गलत चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं यस सॉल्यूशन बी पार्ट फोर डीपीएसपी फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फिफ्टी वन ए एफ कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज टू वैल्यू प्रिजर्व हेरिटेज ऑफ ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है ठीक है इसलिए ये बी वाला हमारा गलत था और आर्टिकल फोर्टी फाइव कहता है स्टेट शेल इंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर और फोर्टी कहता है विलेज पंचायत के बारे में तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन कल फिर इसी टाइम पर मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन लेकर के आऊंगी तब तक आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और यकीन मानिए डेली प्रैक्टिस आपको जरूर एक दिन सफलता दिलाएगी थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी डू कॉमेंट अबाउट योर क्वेरीज योर आंसर्स एंड बी कनेक्टेड टू अर्स अगर आपको इस लेक्चर का इस एम सी क्यू का पी डी एफ चाहिए होगा तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ वन ऑन वन मेंटरशिप में जुड़ने के लिए आप समन्वय के लिंक पर क्लिक uh, करके हमसे जुड़ सकते हैं उस फॉर्म को भरकर आप अपनी डिटेल्स हम तक भेज सकते हैं थैंक यू सो मच For coming and joining us. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Seville's Daily.